अंकिता भंडारी को इंसाफ मिला, संविधान की ये रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, बेटियों को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई नहीं कम कर पा रहे हैं, ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली की गंदी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। कभी अनंत हेगड़े बोलते हैं, कभी ज्योति मिर्धा बोलते हैं, कभी लल्लू सिंह बोलते हैं, एक ही बात कह करके देश में वोट मांग रही है भाजपा कि हमें भारत का संविधान बदलना है। ये तो जन सैलाब उमड़ के आया है। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी एक ऐसा शख्स जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का सबसे पूरी ताकत के साथ सामना कर रहा है, उस शख्स को ताकत और हिम्मत देने का वक्त आ गया। अहम करो इस बात का कि न तो खुद अपना वोट बर्बाद करोगे, न अपने परिवार अपने रिश्तेदारों को एक भी वोट बर्बाद करने दोगे, नहीं करने दोगे ना। तो उठाओ पीछे तथा और वादा करो मुझसे कि आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबेगा। दबेगा ना, दबेगा ना, कांग्रेस को एक वोट दोगे ना, कांग्रेस पार्टी के लिए बूथ पर जाओगे ना, वीरेंद्र यादव को जिताओगे ना, राहुल गांधी को ताकत दोगे ना। भारत के संविधान को बचाना है इसलिए कांग्रेस पार्टी को जिताना है। अभी कल ही यानी कि 14 अप्रैल की डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती गुजरी है। आप भारतीय जनता पार्टी के देश भर के नेताओं के भाषण उठा के देखिए, चाहे वो लल्लू सिंह हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, या फिर बाकी उनके नेता हो, प्रत्याशी हो, उनका एक भाषण है कि हमें प्रचंड बहुमत दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। कभी अनंत हेगड़े बोलते हैं, कभी ज्योति मिर्धा बोलती है, कभी लल्लू सिंह बोलते हैं, एक ही बात कह करके देश में वोट मांग रही है भाजपा कि हमें भारत का संविधान बदलना है। वो संविधान जिसे अपने खून पसीने से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, वो संविधान जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों के लिए लिखा गया, वो संविधान जिसे मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर के तौर पर लिखा गया, वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी की गंगा जमुनी तहजीब की झलक दिखती है, वो संविधान बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और कहता रही है कि हमें बहुमत दीजिए ताकि हम संविधान बदल सके। मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए आपके सामने अपील करने आया हूँ और आपसे ये कहने आया हूँ, मेरी नई नस्लों, इस भीड़ में 90% नौजवान साथी मौजूद हैं, मैं आपसे मुखातिब होकर के कह रहा हूँ, ये बहुत सियासी समझदारी का परिचय देने का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है, उस सपने को, भारत के संविधान को बदलने का जो सपना वो देख रहे हैं, उसे पूरा नहीं होने देना है। भाजपा आएगी, आपसे अलग अलग नाम पर वोट मांगेगी, लेकिन जब भी भाजपा का प्रत्याशी आपके बीच में आए तो उनसे कहना कि नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो बताओ कि वो डीजल पेट्रोल जो 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए के पास कैसे पहुंच गया। उनसे सवाल करो कि वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1000 के पास कैसे पहुंच गया। उनसे सवाल करो कि आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, हर चीज पर जीएसटी लगा दी। ये भाजपा की सरकारें फिल्में टैक्स फ्री करती है और कफन पर जीएसटी लगाती है, और उत्तराखंड में तो डबल इंजन की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री के भाषण में सुनता रहता हूँ, भारत का संविधान लेकर के तस्वीर खिंचवाते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, लेकिन मैं उन्हीं मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि अंकिता भंडारी को इंसाफ कब मिलेगा, यह उत्तराखंड की जनता पूछना चाहती। नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इसी तरह बेटी बचा रही है उत्तराखंड की सरकार? अंकिता भंडारी और उनका पूरा परिवार इस सरकार के सामने इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं। मरदूतपुर की सरजमीन पर खड़ा होकर के मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जैसे 15 लाख का उन्होंने जुमला उछाला था, उसी तरह के और भी जुमले आजकल उछाल रहे हैं, लेकिन देश जानता है कि उनसे बड़ा जुमला देने वाला नेता आज तक भारत में पैदा नहीं हुआ। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, मैं उस घोषणा पत्र समिति का सदस्य हूं, मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि हम युवाओं को नौकरियां देंगे, डिप्लोमा लेकर के जो बच्चे घूम रहे हैं उनको हर साल 1 लाख रुपया देंगे। ये नहीं कह रही है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो कह रही है कि हम हर भारतीय युवा को नौकरी देंगे। जब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, तो वो ये नहीं कह रही है जो महिला हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, वो ये कह रही है कि वो भारत की गरीब महिला होगी तो उसे 1 लाख रुपए हर साल दिया जाएगा। हम न्याय पत्र लेकर के आए हैं, कांग्रेस पार्टी न्याय पत्र लेकर के आई है। राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, जुमला नहीं देते। 4,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ 4,000 किलोमीटर पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर। जब मैं राहुल जी के साथ चल रहा था तो मीडिया के साथ ही मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, ये तो मंदिर देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे। तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चल रहा था राहुल जी के साथ और राहुल जी बिना अपने पैर के छालों की परवाह किए कन्याकुमारी से कश्मीर तक बस एक नारा लगा रहे थे कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक नेता है भारत जोड़ने के लिए अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला, और इधर प्रधानमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं। अरे प्रधानमंत्री जी जिसे आप शहजादा कहते थे वो कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई तक अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में, एक जूते में पूरे हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता रहा, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को, पीड़ितों को अपने सीने से लगाता रहा। और एक तरफ आप हैं जो खुद को फकीर कहते हैं, आप 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं और 8,500 करोड़ के जहाज में चलते हैं। शहजादा या राजकुमार आप हैं या राहुल गांधी हैं, ये देश को फैसला करना है। प्रधानमंत्री जी किसी नेता की थाली में मत झांकिए, अगर झांकना है तो इस देश के गरीबों की थाली में झांकिए जिसे आपने महंगा कर दिया। वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए लेकिन हमारे पांव के छालों का क्या हुआ। ये जो जुमले की सरकार आपने 10 साल चलाई है, जिसने नारा दिया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो नारा पूरी तरह विफल रहा। आपने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उत्तराखंड गवाह है कि वो चाहे बिटिया अंकिता भंडारी हो
कभी भी बेटियों के साथ खड़ा होना गवारा नहीं किया, बल्कि अपराधियों के साथ खड़ा होना गवारा किया। मैं यहाँ खड़ा होकर के आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, हमें पता है आप परेशान हैं, हमें पता है कि भाजपा ये चुनाव हारने जा रही है, तो ये जो चैनलों पर, ये जो भाषणों में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मत करिए, देश समझ रहा है। गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। इस बार इस देश का नौजवान, जिसे आपने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कंधे पर लगी हुई है। ये सरकार इसी 20 करोड़ नौकरी के बोझ तले दब कर रसातल में चली जाएगी। इस सरकार ने वादा किया था कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे, मेरे खाते में तो नहीं आए, आपके खाते में आए क्या? आपके खाते में आए क्या? किसी के खाते में नहीं आए। मैं रात में केरल में था, वहां भी मैं पूछ रहा था कि किसके खाते में 15 लाख आए, कोई हाथ उठाने को तैयार नहीं। सब कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो बड़े जुमलेबाज हैं, उन्होंने जुमला दिया था, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। साफ नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ। प्रधानमंत्री जी कोई भी नारा दे, सब झूठ है, सब जुमला है। राहुल गांधी ने अगर ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 180 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए। भाजपा 180 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। और मेरे भाई, अगर सिर्फ एक सांसद चुनने की बात होती तो मैं पसीने पसीने होकर के आपके बीच में खड़ा नहीं होता। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आज कई किलोमीटर जो मोहब्बतें हाईवे से लेकर के, रुड़की से लेकर के यहाँ तक आवाम ने दी है, वो मेरे सर पे कर्ज है, बोझ है हमेशा। और मैं कोशिश करूंगा कि इस बोझ को, इस कर्ज को, इस मोहब्बत को सारी जिंदगी चुकाता रहूंगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि आप जैसे साथियों की मोहब्बतों ने, आप जैसे साथियों की मोहब्बतों में, किसी मासूम लम्हे में की गई आपकी दुआओं ने मुझे सिर्फ शायर नहीं रखा, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, यानी देश की राज्यसभा में 34 साल की उम्र में पहुंचाया। ये आपकी मोहब्बतों के सदके में हुआ। मैं आपके सामने खड़ा होकर के आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव सिर्फ एक सांसद का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का है, ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का है, उस सपने को बचाने का है जिसे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने देखा था, जिस सपने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल से ज्यादा जेल में रहे, जिस सपने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद रांची की जेल में रहे, जिस सपने के लिए तिरंगियों के खिलाफ महात्मा गांधी लड़ते रहे, ये उस सपने को बचाने का चुनाव है। रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यहां मौजूद हजारों हजार लोग, जहां तक मेरी नजर जा रही है, ये तो जन सैलाब उमड़ के आया है। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं, इस देश के पिछड़ों, इस देश के दलित भाइयों, इस देश के अल्पसंख्यकों, इस देश के गरीब सवर्णों, मैं आप सबसे बस इतना अनुरोध करना चाहता हूं, राहुल गांधी एक ऐसा शख्स जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का सबसे पूरी ताकत के साथ
सामना कर रहा है उस शख्स को ताकत और हिम्मत देने का वक्त आ गया। ये जो भाजपा के नेता है झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। यहाँ के जो प्रत्याशी है या फिर यहाँ के जो बाकी नेता है भाजपा के जो मुख्यमंत्री है ये बस झूठ बोलते हैं। एक भाजपा के मिनिस्टर साहब एक गांव में पहुंचे, उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मैं आज तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूँ। गाँव वाले इकट्ठा हो गए, भोले भाले लोग थे, तो गांव वालों ने कहा मंत्री जी हमारी सिर्फ दो समस्या है। तो मंत्री जी ने भाजपा के मंत्री जी ने कहा कि बताओ अभी साहब इसे समाप्त कर देता हूं। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। मंत्री जी ने अपना मोबाइल निकाला, नंबर घुमाया पता नहीं कौन सा, और जोर जोर से लगे डांटने, बोले तुम लोग कैसा काम कर रहे हो, मुझे यहाँ पर कल तक एक हॉस्पिटल टेम्परेरी खुला हुआ दिखना चाहिए। उसके बाद मोबाइल रखा और गांव वालों से कहा लो मैंने तुम्हारी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या ये है कि इस गांव में कोई मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता, इन्हें सिर्फ झूठ बोलना आता है और आप बार बार विश्वास कर लेते हो। भारत के तमाम निवासियों में आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं कि सिकंदर बादशाह प्रतापगढ़ी को सुनना चाहते हैं। मैं जानता हूं आप मेरी शायरी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि शायर से जब सांसद बन के मैं पार्लियामेंट में पहुंचा तो मैं एक दिन भी आपके मुद्दों पर चुप नहीं रहा, चाहे वो नजीब की माँ के आंसुओं के लिए आवाज उठानी हो या फिर जेएनयू के बच्चों के लिए या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, अलीगढ़ के बच्चों के लिए, जामिया के बच्चों के लिए, मैं कभी चुप नहीं रहा। मैं सर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। भाई भाई हेलो हेलो हरिद्वार वालों, उत्तराखंड वालों, आज सरकार कह रही है कि हम अमृतकाल लेकर के आए। आप मुख्यमंत्री का भाषण सुनिए, प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, वित्त मंत्री का भाषण सुनिए, क्या कहते हैं कि हम अमृतकाल लेकर के आए। मैं नत्व सुनाता हूं आपको, कहो ये कैसा अमृतकाल। मतलब ये मुझे लगना चाहिए कि आप सुन मेरे मूड में, पीछे तक जहां तक मेरी नजर जाएगी वहां तक आपकी शिरकत होनी चाहिए। ये बताओ कैसा अमृतकाल, तुम्हारा कैसा अमृतकाल, कैसा अमृतकाल, तुम्हारा कैसा अमृतकाल। आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल, तुम्हारा कैसा अमृतकाल, तुम्हारा कैसा अमृतकाल। जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी, हो दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, जो मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ वो सच्चे मिसरे हैं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी, जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी। नफरत का बाजार खोल कर बैठे हैं व्यापारी, तुमने जो चाहा कर डाला इसका गिरा नहीं है, हमने विष ही विष पाया है अमृत मिला नहीं है। और अब जो लाइनें आ रही है जो सड़क पर खड़े हैं उनका भी हाथ उठेगा इन मिसरों पर, इसे पूरे देश में पहुंचाना और खासतौर से दिल्ली तक, कि तुमने जो चाहा कर डाला इसका गिरा नहीं है, हमने विष ही विष पाया है अमृत मिला नहीं है।
पाओ कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल, कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल। आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं, ये फिल्म टैक्स फ्री करते हो, कफन पे है जीएसटी, फिल्म टैक्स फ्री करते हो, कफन पे है जीएसटी, सांसों पे है पाबंदी और मन पे है जीएसटी, महंगाई से मिलेगा कब छुटकारा पूछ रहा है, महंगाई से मिलेगा कब छुटकारा पूछ रहा है, तुमसे तुम्हारे अच्छे दिन का नारा पूछ रहा है। अरे नजर उठाओ हरिद्वार ये सारा पूछ रहा है, महंगाई से मिलेगा कब छुटकारा पूछ रहा है, कब तक चाल, तुम्हारा कैसा अमृत काल, बताओ कैसा अमृत काल। अमृत काल का जिक्र हो रहा है, ये चुनाव तजुर्बा करने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक्सपेरिमेंट करने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस बात का चुनाव नहीं है कि आप ये देखो कि कौन हमारी बिरादरी का है, कौन हमारे समाज का है, ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। कई लोग प्लांट किए गए हैं, भाजपा जानती है, भाजपा जानती है कि वो अकेले इस चुनाव को नहीं जीत सकती, इसलिए जानते हैं वोट काटने के लिए कहां कहां से लोग प्रायोजित करके लाए गए हैं। बस एक बात कहूंगा, अबरहा जब भी आता है हाथी पर बैठ के आता है। अबरहा किस चीज पर बैठ के आया था याद है ना, तारीख इतिहास याद है ना, याद रखना, एक वोट भी अगर बांटोगे तो फिर आने वाली पीढ़ी के साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे। और जो अगली लाइन है उस पर सुन के बताना मुझे, मैं नाम लेता हूं कि रेल बिक गई तेल बिक गया पिता हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा, के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। समझदारी से होशियारी से अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करते हुए ईवीएम की कतारों में जाना, और जब ईवीएम की कतारों में लग करके हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना, तो एक चीज याद रखना कि आपका दिया गया वोट सिर्फ वीरेंद्र रावत को नहीं मिलेगा, आपका दिया गया एक एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को जाएगा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करता, आपके लिए लड़ता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है, भारत को जोड़ने का नारा लगाता है। वीरेंद्र रावत को दिया गया एक एक वोट राहुल गांधी को ताकत देगा, वीरेंद्र रावत को दिया गया एक एक वोट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ताकत देगा, वीरेंद्र रावत को दिया गया एक एक वोट प्रियंका गांधी को ताकत देगा, और तो और वीरेंद्र रावत को दिया गया एक एक वोट सोनिया गांधी को ताकत देगा, वीरेंद्र रावत को दिया गया एक एक वोट आपके विधायक फुरकान साहब को ताकत देगा। और हरिद्वार वालों, वीरेंद्र रावत को कांग्रेस पार्टी को दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर आपका एहसान होगा। मैं आपसे यह कहने आया हूं कि एक ऐसा वक्त जब लोग आपकी परछाई से बच रहे हैं, सुनना मेरी बात को बहुत संजीदगी से,
ऐसा वक्त जब लोग आपकी परछाई से बच रहे हो, तब आपके लिए आवाज उठाने वाले आपके बेटे राम प्रताप गढ़ी को राहुल गांधी ने हाथ पकड़ के सीधे राज्यसभा में बैठाने का काम किया। ये एहसान है उनका, ये एहसान है उनका, और उस एहसान को चुकाने का वक्त है। जिस दिन हम लोग पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे थे, एक साथ 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। जब सस्पेंड किया गया तो मैं पार्लियामेंट से बाहर निकल रहा था, मुझे भी सस्पेंड किया गया। और जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने मुझसे कहा कि इमरान साहब सस्पेंड हो गए। मैंने कहा इस दौर में सस्पेंड होना, इस दौर में किसी के ऊपर FIR होना इनाम है, तमगा है। सरकार चाहती थी कि हम पार्लियामेंट में चुप रहे, हम सस्पेंड इसलिए हुए क्योंकि हम बोल रहे थे। तब मैंने एक नज्म कही कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। मैं पार्लियामेंट से निकला और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथ ही बात कर रहे थे और मैं नज्म सुना रहा था कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, प्यार है ना, कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। क्योंकि वक्त बहुत कम है इसलिए आपसे बस इतना कह रहा हूं मेरे भाई, ये चुनाव बहुत अहम है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं लड़ रही है, उसका सपोर्ट कौन कर रहा है, पुलिस भी कर रही है, उसका सपोर्ट एजेंसियां भी कर रही है, उनका सपोर्ट बसपा भी कर रही है, उनका सपोर्ट निर्दलीय लोग भी कर रहे हैं। उनका मकसद जानते हो क्या है, 10,000 काट लो, 15,000 काट लो, 5,000 काट लो, लेकिन मुझे बताओ कि फायदा क्या होगा अपना एक भी वोट बर्बाद करने से। अहद करो इस बात का कि न तो खुद अपना वोट बर्बाद करोगे, ना अपने परिवार अपने रिश्तेदारों को एक भी वोट बर्बाद करने दोगे, नहीं करने दोगे ना। तो उठाओ पीछे तक हाथ और वादा करो मुझसे कि आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबेगा, दबेगा ना, दबेगा ना। कांग्रेस को एक एक वोट दोगे ना, कांग्रेस पार्टी के लिए बूथ पर जाओगे ना, वीरेंद्र रावत को जिताओगे ना, राहुल संविधान को बचाना है इसलिए कांग्रेस पार्टी को जिताना है। मेरे भाइयों आखिर में बस मैं तो सरकार से इतना कह रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा।